वेलकम टू अवर चैनल ओरल पॉइंट। मैं शिवम यादव आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ऑलमोस्ट लगभग सभी एग्जाम्स में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश के लिए एक एकदम नया लेसन आर्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करता हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। तो गाइस सबसे पहले हमें जानना है कि आर्टिकल क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल क्या होता है, सही मायने में अगर आर्टिकल को बताया जाए तो आर्टिकल कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है या हम यूं कहें कि ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव की तरह होता है तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसको क्वालिफाई करता है, उसी तरीके से आर्टिकल भी क्या करेगा, किसी नाउन के पहले लग करके उस नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो चलिए हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, इंडिफिनिट और डेफिनिट। तो अगर आर्टिकल की बात की जाए मेरे भाई तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और क्या होता है डेफिनिट आर्टिकल। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल यानी इनडिफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आएंगे, एक आएगा ए और एक आएगा एन, और डिफिनिट आर्टिकल में आएगा द। यानी ये तीन आर्टिकल होते हैं हमारे इनडिफिनिट आर्टिकल, यानी कौन कौन से आएंगे, ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल कौन, द। तो देखिए जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है यानी ये आर्टिकल में जो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है इनकी प्रोनंसिएशन। कहने का मतलब इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर बेसिक की बात की जाए, क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर है आर्टिकल का है वो बेसिक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे इसकी बातें करेंगे। तो अगर बेसिक की बात की जाए मेरे भाई तो सिंपल सी बात है, तो बेसिक में जो पहले प्रॉब्लम आती है इसके प्रोनंसिएशन पे आती है। हमें ये ही नहीं पता होता कि हम इन आर्टिकल्स को कैसे प्रोनंसिएट करेंगे या किस जगह पे कैसे प्रोनंसिएट करेंगे। तो देखिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इस ए को है, इसे को दो प्रोनंसिएशन दो तरीके से इसको प्रोनंसिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो पहली जो प्रोनंसिएशन होता है इसे को एक जगह पढ़ा जाता है आ और दूसरी जगह पढ़ा जाता है ए, यानी इसी ए शब्द को जिसको हम ए पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का, इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो चीज बोला जाएगा, आ बोला जाएगा और ए बोला जाएगा। अब बात करते हैं द की, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, द और दी। ये डिपेंड करेगी इसके सिचुएशन पे, यानी इसकी प्रोनंसिएशन डिपेंड करेगा इसके सिचुएशन पे, यानी जैसे सिचुएशन होगी उसी के अनुसार इसकी हम क्या करेंगे, प्रोनंसिएशन करेंगे। तो मैं चलिए हम पहले पे डिस्कस करते हैं कि कब ए को आ पढ़ा जाएगा और कब ए को ए पढ़ा जाएगा। तो देखिए जब कोई भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट होगा तो उसके नाम के पहले अगर ए लगा होगा तो उसको आ पढ़ते हैं, यानी जब कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस है तो नाम के पहले अगर ए लगा है तो उसे आ पढ़ते हैं। लेकिन जब उसी नाम पे क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, क्या डाला जाता है मेरे भाई, दबाव डाला जाता है, तो वहां पर इसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जब नॉर्मल होगा क्या पढ़ेंगे, आ, और जब उसी नाउन पे क्या होगा थोड़ा दबाव डाला जाएगा क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, यानी जब उसको इम्फेसाइज किया जाएगा, जब किसी भी नाउन को इम्फेसाइज किया जाएगा और उसके पहले आर्टिकल ए लगा होगा तो उसको ए प्रोनंसिएट करते हैं। क्लियर हो गए, चलो ठीक है। बात करते हैं कब टी एच ई को द पढ़ते हैं कब टी एच ई को दी पढ़ते हैं। देखिए वर्ड जो स्पेलिंग है वही दोनों जगह मिलेंगी, यानी चाहे उसको दी पढ़ोगे तब भी वही टी एच ई को लिखा रहेगा और द पढ़ोगे तब भी टी एच ई लिखा रहेगा, यानी स्पेलिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। तो परिवर्तन कहाँ होगा मेरे भाई, अगर हम कह रहे हैं कि उसी स्पेलिंग को द पढ़ना है उसी स्पेलिंग को दी पढ़ना है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी ही ना, तभी तो हम बदल रहे हैं उसके प्रोनंसिएशन को। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या चीजें बदलती हैं। तो देखिए टी एच ई को हम कब द पढ़ेंगे, जब कोई नाउन होगा अब उसके पहले आर्टिकल टी एच ई द का प्रयोग हुआ होगा,
लेकिन उस नाउन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस नाउन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड। जब किसी नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है और उस नाउन का साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो क्या पढ़ते हैं उसको मेरे भाई, द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टीएचई को दी कब पढ़ेंगे, टीएचई को दी कब पढ़ेंगे, तो देखिए इसके लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, किसी नाउन के पहले ए भी लगेगा लेकिन जो नाउन होगा वो कैसे, उसकी साउंड कैसी होगी, वावेल साउंड होगी। याद रहेगा ना, जब नाउन की साउंड कैसी साउंड है, वावेल साउंड, तो क्या पढ़ेंगे, दी। जब नाउन की साउंड कैसी है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या पढ़ेंगे, द। जैसे अगर हम बोल दिए जाए ये लिखा हो इसको क्या पढ़ोगे, द एप्पल या दी एप्पल, क्या पढ़ोगे, द एप्पल या दी एप्पल। तो देखिए एप्पल की साउंड क्या है, वावेल साउंड है, एप्पल की साउंड क्या है, वावेल साउंड है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। लेकिन अगर लिखा हो क्या, द पेन, तो देखिए पेन की साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द। क्लियर हो रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि जो पेन की साउंड है कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए इतना मेजर मतलब कहने का मतलब, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि बताइए द का इस्तेमाल की कहां टीएचई को द पढ़ा जाएगा और कहां टीएचई को दी पढ़ा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। लेकिन अगर हम बेसिक्स पे चर्चा कर रहे हैं तो बेसिक के अकॉर्डिंग तो ये भी आता है। अगर आप कहीं किसी के सामने बोल रहे हैं, कहीं किसी के सामने इंग्लिश में अगर हमको कुछ बोलना है और हम वहां पे गलत बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये बातें याद होनी चाहिए, कब पीएचई को दा पढ़ना है, कब पीएचई को दी पढ़ना है, कब ए को आ पढ़ना है, कब ए को ए पढ़ना है। तो चलिए अब हम इसके आगे फंक्शन पे बात करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ ए एंड एंड, यानी अब हम बात करेंगे जो इंडिफिनिट आर्टिकल है हमारे ए और एंड, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले ए की, यानी अब हमें ए आर्टिकल का इस्तेमाल कहां करना है और एंड आर्टिकल का कहां इस्तेमाल करना है। तो देखिए जो सबसे पहली बात इसको जानना है वो एक छोटा सा पॉइंट है, ए तथा एन का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन की संख्या एक दिखाने के लिए करते हैं। यानी ए और एन का इस्तेमाल कैसे कर, किस लिए करेंगे, किसी भी काउंटेबल नाउन की संख्या एक को एक दिखाने के लिए करेंगे। बात याद रखनी चाहिए मेरे भाइयों, आपको क्या पता होनी चाहिए कि जहां पर भी ए या एन लगा है तो वहां पर उसका इस्तेमाल किस लिए हुआ है, उसके नाउन के काउंटेबल नाउन की संख्या को एक दिखाने के लिए लगा है। तो देखो यहां से एक पॉइंट और निकल गया, तो पॉइंट क्या है, अगर मेरे काउंटेबल नाउन की संख्या एक दिखाने के लिए करते हैं, मतलब हम काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी चाहिए, क्या याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या, कि नाउन की संख्या को दिखाने के लिए करते हैं, मतलब जहां पर नाउन होगा, यानी जो अगर वाक्य में, यानी अगर सेंटेंस में नाउन है तभी हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे, अगर नाउन नहीं है तो वहां पे आर्टिकल नहीं हो सकता। ये बात हमें याद रखनी है, क्या, कि जब काउंटेबल नाउन की संख्या एक दिखानी होगी तो वहां पर ए और एन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
मतलब वही पे लगेगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। ये भी बात याद होनी चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगेगा, ये भी बात याद हो जानी चाहिए। और तीसरी बात हमें क्या रखना है कि अगर किसी एक सेंटेंस में नाउन नहीं दिया हुआ है तो हमें वहां पर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना है। इनफैक्ट आर्टिकल का ही इस्तेमाल नहीं करना है, ए एन की बात छोड़ दीजिए, द का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर नाउन नहीं दिया है तो। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब ए और एन की बात करते हैं, कैसे ए और एन का इस्तेमाल करना है, यानी काउंटेबल नाउन के लिए करना है। बात तो हमें पता हो गई, अब कब कहां पर ए करेंगे और कहां पर एन करेंगे, आइए थोड़ा सा उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उस पे डिस्कस हम करने वाले हैं कि कहां पर ए का इस्तेमाल होता है और कहां पर एन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कहां पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात याद रखना है, बस एक सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि अगर किसी भी नाउन की शुरुआत, ये कहने का मतलब कि अगर किसी भी नाउन की जो क्या हो साउंड, अगर वो साउंड वॉवेल साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगर वॉवेल साउंड है क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर किसी भी एक नाउन की जो है, यानी कि किसी भी एक नाउन का जो प्रोनंसिएशन है या किसी भी एक नाउन की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो काफी लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, यानी बार बार मैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा हूं, तो काफी लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कार्बन को नहीं पता तो हम देखते हैं एक बार वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए वॉवेल साउंड क्या होता है, आ से आहा, यानी जब किसी एक नाउन का जो उच्चारण हो, यानी जो उसकी क्या हो ध्वनि हो, जो उसकी साउंड हो, कहां से हो, आ से आ के बीच में हो, यानी हम एक नाउन बोलते हैं उसकी जो पहला वर्ड होगा उसकी प्रोनंसिएशन क्या होगी, आ से आ के बीच में होगी, तो होता है वॉवेल साउंड। वहीं पे हमें एन लगाना होता है, क्लियर है। वहीं पे हमें क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड यानी क्या, जब किसी एक नाउन की क्या होगी, जो उसकी साउंड होगी, जो उसकी ध्वनि होगी, कहां से लेकर के कहां तक होगी, क्या के बीच में होगी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं क्या काइट, तो उसके साथ क्या लगाओगे, एक काइट, क्लियर हो रहा होगा। जैसे हमने कह दिया एप्पल, तो एप्पल की साउंड क्या है, ए, तो ए कहां रहता है मेरे भाई, आ से आ के बीच में ही आएगा ना, यानी जो ए वर्ड ए हमारा आता है वो आ से आ के बीच में ही आता है। तो जब उसकी शुरुआत ए से हो रही है और ए आ से आ के बीच में आता है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड हो जाएगा। और हमें साफ साफ पता है कि वॉवेल साउंड के साथ हमें एन लगाना होता है, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया इंकपॉट, तो इंकपॉट के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है। तो देखिए इंक किससे शुरू होता है, ई, अब ई कहां आता है, कहां से क्या के बीच में आता है, कि आ से आ के बीच में आता है, आ से आ के बीच में आता है ना, तो आ से आ के बीच में आया तो मतलब क्या हो गया, उसकी साउंड कैसी साउंड हो गई, हो गई ना वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड होगी तब क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्लियर है। अब जैसे हम बोल दें कि पेन, तो अब पेन की साउंड कहां आएगी, कहां से क्या के बीच में आएगी, कि आ से आ के बीच में आएगी, सिंपल सी बात है, कहां से क्या के बीच में आएगी, क्या लगाएंगे, ए, क्लियर हो रहा होगा। यानी जब हमें इन नाउन की संख्या एक दिखानी है और उसकी साउंड क्या आ से आ के बीच में है तो एन, और जब किसी नाउन की संख्या हमें एक एक दिखानी है और उसकी शुरुआत की साउंड क्या है, कहां से क्या के बीच में, क्या लगाएंगे, क्लियर हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल समझ के हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो वर्ड को
क्योंकि अगर ऐसे में ऐसे अगर हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लग गए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हजारों वर्ड है और इतना फिर लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा और कहने का मतलब वीडियो की लेंथ भी काफी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोनों वर्ड की शुरुआत किससे है? यस से। देखिए दोनों वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं? यस से शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? एक क्या है? हॉर्स। क्या है? हॉर्स। हॉर्स यानी किससे शुरुआत हो रही? हा से। हॉर्स मतलब क्या? हा। तो हा कहां आता है? कहां से? क्या कौन सी साउंड हो गई? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाना है? ए। अब है आवर, हाफ एन आवर, एन आवर, यानी आवर। कहां है आप? तो अब मेरे भाई ये बताया, वो आ कहां आता है? कहां से क्या के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो कैसे साउंड हो गई? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड के साथ आर्टिकल एन। तो ऐसे हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि जब उस नाउन की प्रोनंसिएशन कहां से कहां तक होगी, कहां से क्या तक, तो क्या लगाना है? ए लगाना है। जब उसकी क्या प्रोनंसिएशन का, जब उसी नाउन की प्रोनंसिएशन क्या होगी, कहां से क्या तक, तो क्या लगाना है? ए लगाना है। आ से आ तक में क्या लगाना है? एन लगाना है। याद रखिए ना, आ से आ तक है तो एन, कहां से क्या तक है तो ए। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो क्या हो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला। क्या है? यू से। देखो दोनों वर्ड किससे शुरू हो रहा है? यू से। एक क्या है? यूनिवर्सिटी। तो मान लो हम बोलते हैं क्या, इलाहाबाद इज एक यूनिवर्सिटी की एंड यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी की प्रोनंसिएशन क्या है? यू। क्या है? यू। तो मेरे भाई अगर यू आ गए ना, तो यू कहां से ज्ञा के बीच में आता है? या कहां है? कहां से ज्ञा के बीच में आएगा? नहीं आएगा। अगर कहां से ज्ञा के बीच में आ रहा, क्या लगाओगे? इलाहाबाद इज ए यूनिवर्सिटी। और मान लो क्या आ गया, अम्ब्रेला, आई हैव ए अम्ब्रेला। तो क्या होगा? लग जाएगा अम्ब्रेला आ रहा है। तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर एक वर्ड आ जाए, राम इज वन आइड मैन। अब यहां पर हमें आर्टिकल लगाना है, ए लगाओगे कि एन लगाओगे? देखिए क्या है, वन आइड मैन। तो देखो यहां पे क्या लगेगा, थोड़ा सा सोच लो, आई होप आप लोगों के मन में आंसर मिल गया होगा। तो देखिए मैं आप क्या लगाएंगे, वन आई मैन। क्या है? वन। मैंने बताया क्या करना है, प्रोनंसिएशन का पहला वर्ड क्या आया? वह। वह कहां आता है? कहां से क्या? तो कौन सा साउंड, कैसे साउंड होगी? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या लगाओगे? हा। क्या हो जाएगा? राम इज अ वन आई मैन। अगर हम यहाँ पे एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। अब मैंने एक बात देखो शुरू में बताई थी, अगर किसी भी एक सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। नाउन नहीं, वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। ये बात भी याद रखना। जैसे अगर दे दिया जाए, ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट, तो यहां क्या लगाओगे? ए लगाओगे, एन लगाओगे, या नो आर्टिकल? क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या नाउन नहीं है भाई, क्या है? ऑनेस्ट। क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या होगा यहां? नो आर्टिकल। चलिए हम इसको रब करते हैं, आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की। अब आगे किसकी बात करेंगे हम? पोजीशन ऑफ आर्टिकल की, यानी आर्टिकल की पोजीशन कैसे रखते हैं। तो देखिए इसके लिए पॉइंट वन क्या है, जो पॉइंट वन मेरे भाई कहता है, कहता है क्या कि अगर किसी भी एक सेंटेंस में क्या हो, एक नाउन हो, तो वहां पर आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। क्या है? किसी भी एक वाक्य में अगर एक नाउन हो तो आर्टिकल, यानी उसके अकॉर्डिंग जो भी आर्टिकल लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। जैसे क्या हो, राम इज बॉय, तो भाई देखो क्या है, बॉय यहां क्या है?
नाउन है तो अब हमें इस बॉय के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, इसके जस्ट पहले, यानी हमें क्या रखनी, उसकी पोजीशन क्या होगी, हमेशा नाउन के पहले होगी। क्लियर है ना। अब इसी से रिलेटेड जैसे क्या हो, तो यहां क्या आर्टिकल लगेगा, राम इज गुड, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां नाउन नहीं दिया हुआ है। अगर नाउन दिया होता तो कहां लग जाता, गुड के पहले लग जाता। जैसे क्या हो जाता है, राम इज ए गुड बॉय। देखिए दूसरा रूल भी हो गया, क्या हो गया हमारा, दूसरा रूल भी हो गया, यानी इसी से मिलता जुलता क्या हो गया, दूसरा रूल। तो यानी अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गुड का इस्तेमाल कर लिए, तो आर्टिकल अभी तक कहां था, यहां था, जब गुड नहीं था तो, जब हमने गुड का इस्तेमाल किया तो आर्टिकल यहां आ गया। यानी कहने का मतलब गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव। तो जब किसी भी एक वाक्य में क्या होगा, एक नाउन के साथ एडजेक्टिव होगा, तो हमेशा वहां पे आर्टिकल कहां लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। कहां लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा, और एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। ये बात याद रखना हमेशा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा और एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे क्या होता, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो क्या हो जाता, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो अब यहां पर कहा लग रहा है, ऑनेस्ट के पहले लग रहा है, और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले लग रहा है। पोजीशन हमको याद रखनी पड़ेगी। अब इसी से रिलेटेड अवेलेबल की हम बात करते हैं। तो अभी तक क्या था, एक सेंटेंस में सिर्फ एडाउन था, दूसरा सेंटेंस में क्या था, नाउन के साथ एडजेक्टिव था। अब क्या हो अगर किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव और क्या हो नाउन, तीनों आ जाए, तो अब कहां पे रखोगे आर्टिकल को, तो हमेशा याद रखना एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ जाएगा। अभी तक कहां था, सबसे पहले कहां था, आर्टिकल नाउन के पहले था, उसके बाद कहां आया, एडजेक्टिव के पहले आया, अब आर्टिकल कहां आ जाएगा, एडवर्ब के पहले आ जाएगा। क्लियर रहेगा। तो अब यहां पे नाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एडवर्ब के प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे क्या हो जाएगा, राम इज अ वेरी गुड बॉय। चलिए एक सेकेंड के लिए हम इसको एको मिटा देते हैं। क्लियर है। तो बात करेंगे मैं, यहां पे हमें क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। तो अब आर्टिकल कहां लगाओगे, यहां लगा दोगे, क्योंकि हमने पहले रूल पढ़ा था ना कि नाउन के पहले हमेशा लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहां लगाना है, एडवर्ब के पहले। चलिए अभी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पोजिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको हम लगाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करते हैं। जिसे क्या होता है, अली इज अ, सॉरी, अली इज डैश वेरी गुड, या अली इज डैश वेरी गुड बॉय। तो यहां पे आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगाओगे, एन लगाओगे, या जा लगाओगे। तो देखिए मेरे भाई, सिंपल सी बात है, वेरी यानी क्या हुआ, और उसके लिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर यही को होता, अली इज वेरी ऑनेस्ट, अली इज वेरी ऑनेस्ट, तो मेरे भैया यहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे, एन लगाओगे। तो अब यहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल ए लगाओगे, एन लगाओगे। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको सिंपल ही पहले बता दिया था क्या, कि ना तो यहां पे आर्टिकल ए लगेगा, ना तो एन लगेगा। क्यों, क्योंकि नाउन है ही नहीं है। आर्टिकल तब तक नहीं लग सकता, कब तक, जब तक कि कोई नाउन ना हो। यहाँ पे कोई नाउन नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बॉय आ जाए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो आर्टिकल की बेसिस पे थी। अब हम अगले वीडियो में आर्टिकल के इसके आगे के फंक्शन पे डिस्कस करेंगे, यानी इसके आगे आर्टिकल के जो भी फंक्शन है, आज हमने बेसिस सीख लिया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आर्टिकल के आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए।